देखेंगे इसमें छठी लाइन इसकी ये मिली होगी। वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताएंगे पूरा। उसकी है 28.566, इसको कैसे निकाला जाता है उससे पूर्व जान लें कि हम ये रीडिंग जो है कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या फीचर होते हैं जिससे हम इस चीज़ को अपडेट कर सकें, ठीक है। पीछे मेरे ये बना हुआ है माइक्रोमीटर का एक छोटा वाला पीछे वाला हिस्सा बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है पहले आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, फिर आपको थ्योरेटिकल बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से रख दिया है, इसमें आप देखें ध्यान से कि इसके अंदर आप देखो ये वाला जो हिस्सा दिखा रखा है ये आपका है थिम्बल, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर हम थंब लगाते हैं अपने। थिम्बल पर क्या खास बात होती है, थिम्बल पर ये गोलाई वाले हिस्से में 0 से लेकर 50 तक निशान बने होते हैं, 1 0 से 50 तक निशान, जिसमें 0 से 50 है तो अर्थात इसमें 500 माइक्रोन हो गए। अर्थात जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है या माइक्रोमीटर होता है ये एक चक्कर में 0.5 घूमता है, तो 0.5 घूमता है इसलिए क्या करा जाता है कि एक खाने में 10 माइक्रोन होते हैं, तो पूरे भाग को 50 भागों में बांटा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक भाग का मान 10 है और पूरे भाग का मान 50 है तो 50 × 10 = 500 माइक्रोन। इस प्रकार से क्यों, क्योंकि इसमें 0.5 की पिच होती है, जब पूरा एक चक्कर घूमता है तो 0.5 घूमता है और जब दो चक्कर से घुमाते हैं तो ये पूरा 1 mm आगे चल जाता है। इसकी यही खास बात होती है आपकी माइक्रोमीटर की, ठीक है। अब इसमें अगला फीचर देखें आप, इसमें आपके थिम्बल में बने होते हैं निशान आपके 10 माइक्रोन वाली वैल्यू, एक एक खाना 10 माइक्रोन से बना होता है और 50 भागों बटा होता है, ठीक। अब आते हैं उसके बराबर में ऊपरी वाला हिस्से में, ये जो 10 माइक्रोन में बटा होता है हिस्सा, तो ये आपकी समांतर लाइन पड़ी हुई है, किससे पड़ी होती है समांतर लाइन, समांतर लाइन पड़ी होती है आपकी, ये आपका ऐसे बोलते हैं बैरल या स्लीप, इस बैरल या स्लीप पर 10 लाइन पड़ी होती है, अर्थात 10 माइक्रोन, एक लाइन 1 माइक्रोन की, और ये स्पेस से होती है कितने कितने, एक एक के स्पेस से 2, 4, 6, 8, 9, 8 और 10, इस टाइप से ये नंबर लिखे होते हैं, क्यों इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होता था इसलिए इसमें हम डायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5 करके डायरेक्टली नहीं लिख पाते, ठीक है, शॉर्टकट की वजह से लिखा जाता है, वैसे कोई बात नहीं है इसके लिए, ठीक। तो प्रत्येक लाइन इसकी 1 माइक्रोन की होती है, वो किसके बराबर होती है, इधर जो 10 माइक्रोन का जो खाना होता है वो 10 माइक्रोन का एक खाना और ये पड़ी हुई 10 लाइनें उसके बराबर होती है। वो इसलिए होती हैं कि जब हम कोई वैल्यू रन करते हैं, कोई वैल्यू हमारी 11 है और 11 से थोड़ी आगे चली जाती है हमारी 0 वाली लाइन, अब वो 0 से आगे कितना चलेगी पता नहीं चल पाता हमें, क्यों 0 से आगे चली जाएगी थोड़ा सा, यानी उसके आधे से चली गई तो हमें क्या पता लग रहा है कि वो 5 माइक्रोन है कि हमारा 8 माइक्रोन है, तो किससे पता लगता है आपको, वर्नियर स्केल से, जिसका वर्नियर स्केल बना हुआ है उससे पता लगता है कि हमारा कितना साइज बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आ जाइए आप, ये आपका क्या होता है, इसमें ये बैरल स्लीप होता है, इसमें जो पहले लाइन पड़ी होती है इसका मैन स्केल होता है, यहाँ पे आपके इसके एमएम के निशान बने होते हैं, जैसे 10-15 लिखा हुआ है तो इस प्रकार से अगर 25 से 50 का माइक्रोमीटर होगा तो वो जो है निशान बने होंगे आपके यहाँ पे लिखे होंगे, मान लीजिए 0 से 25 वाला है तो इस टाइप से लिखा होगा, ठीक, और यही माइक्रोमीटर आपका 50 वाला है तो लिखा होगा यहाँ से लिखा होगा ये 50 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 25 से, तो यहाँ 25 का क्या होगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, ये जो है 5-5 के स्पेस से आपको ये दिखाएगा, 5 mm के स्पेस से दिखाएगा, ठीक। तो ये आपका इस तरह से इसका मैंडिलियन होता है, अर्थात ये mm वाली लाइन होती है, इसी 1 mm के खाने के बीच में एक निशान और होता है उसका, इसी का मैन का सब डिविजन क्या 0.5 हिस्सा, इसलिए होता है जब इसको हम घुमाते हैं तो इसकी जो कोना होता है ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये इस लाइन के 0 वाली लाइन के, जैसे मान लीजिए कोई नंबर वन बनना है, देखो ये नीचे वाला, तो देखो ये लाइन से आपकी पैरेलल वाली लाइन से ये इसकी जो मेन लाइन मिलती है, तब हम पता लग जाता है कि ये इतने माइक्रोन हो गया, इसलिए इसको हमने रखा है इसके लिए, ठीक है। अभी आपको इसके माध्यम से बताएंगे, पहले आपको रीडिंग बता दे रहे हैं रीडिंग कैसे निकालते हैं, फिर इसमें रीडिंग को सेट करके बताएंगे कि हमने जो रीडिंग ली है वो इस प्रकार से हमने कैसे सेट करी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें ये आपकी वैल्यू कितनी है 28.566, और ध्यान दें ये 25 से 50 का माइक्रोमीटर है, आप देखो ये 28 है तो आप ध्यान दें ये 25 एमएम के बाद में 3 एमएम और चलेंगे हम आगे को, इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है ये 3 mm पे होगा यहाँ पे, अर्थात तभी तो 28 होगा, 25 और 3 28 mm खुल जाएगा, तो पहले माइक्रोमीटर को हम 28 mm खोलेंगे, अब 28 के बाद कितना खुलेगा, फिर खुलेगा आपका 0.5 अर्थात आधा एमएम खुलेगा, अर्थात किस टाइप से खुलेगा ये, जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी वैल्यू को सेट करना होगा, कैसे वैल्यू निकालते तो कैसे होगा, पहले खुलेगा इसमें ये हमारा 28 mm, पूरा पूरा इसमें 28 mm खुल जाएगा, ध्यान दें 0, 1, 10 माइक्रोन, 0.001 1 माइक्रोन, तो इसको इसलिए हमने 1 माइक्रोन में लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप जान रहे हो लास्ट में 1 माइक्रोन या अर्थात वर्नियर की का यूज किया है, इसलिए इसको हम माइक्रोन तक लेके जाएंगे। अब 0.5 खोलना है हमने, क्या करना है कि 28 mm पूरा खोल लिया, अब हमने क्या है इसके इसके इसको क्या करा, हमने थिम्बल को घुमाया एक चक्कर, 0.5 घूमेगा एक चक्कर में,
ठीक है। तो ये चक्कर पूरा घुमा लिया हमने, इसमें 0.5 घुमा लिया था, ये कितना घुमा होगा, एक 0.5 और घुमा होगा, तो इस टाइप से 0.0 हो गया। ठीक है, अब 0.5 घुमाया है तो 0.5 का देखो ये आ रहा है 56, 5 6 6 आ रहा है, तो ये 0.5 तो खुला होगा। अब इसके आ गए ये 6 खाने और खुला होगा, कितने खुला होगा, 6 खाने और आ गए। अब यहाँ पे जो है ये 50 खुलता तो 6 खाने पर आ गया इसका, देखो 6 खाने अर्थात 0.06, 60 माइक्रोन और खुला होगा, ये कितना खुला होगा 60 माइक्रोन अर्थात 0.06 इस टाइप से खुला होगा। अब क्या है कि ये आपका 6 खुला हुआ है, लेकिन यह वैल्यू कितनी है, 6 और आ रही है, ये कहाँ से आएगी। अब क्या था, जब यहाँ पे 6 खुला हुआ है तो इसकी जो आपकी जो पहला लाइन है, जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन आपके इस वाले खाने से थोड़ी सी हवा आगे निकल रही है। अब आगे निकल रही है तो कैसे जांच करेंगे इसकी, फिर कैसे जांच करनी पड़ती है, ये जो मेन लाइन पड़ी है ये आपकी पैरेलल लाइन पड़ी है, ठीक है, बैल के पैरेलल लाइन पड़ी है। तो अब फिर क्या देखा जाता है कि जब कोई मैच नहीं करता तो यहाँ देखते हैं, अब क्या देखते हैं, हम यहाँ देखा हमने इसमें दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, छठी लाइन, पाँचवीं लाइन, देखा हमने कि आपके इस थिम्बल डिवीजन से, थिम्बल डिवीजन के खाने से हमारी बैरल वाली छठी लाइन इसमें इससे मैच कर रही थी। यहाँ पे कोई इस वाले से कोई मतलब नहीं, कोई भी लाइन हो उससे मतलब नहीं है, ये वाली लाइन जो है यहाँ देखना है इस वाली किस लाइन से मैच कर रही है, मालूम पड़ा कि वो छठी वाली लाइन से मैच कर रही है, तो उतना हम साइज ले लेंगे, यानी कि ये क्या है आपका माइक्रोन वैल्यू है, क्या माइक्रोन है, छठा नंबर मिल रही थी, छठा नंबर, तो छठा नंबर क्या किया हमने, फिर लिख दिया हमने, हमने 0.006 इतना हमने साइज लिख दिया इसमें। अब बस हमारी रीडिंग जो है निकल के आ गई, मैन आ गया, मैन डिवीजन आ गया, उसका सब डिवीजन आ गया, उसकी माइक्रोन वैल्यू पुटअप हो गई, और माइक्रोन के बाद में भी माइक्रोन जो आपका 10/10 था उसको हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो कैसे हो गया ये आपका 6 का 6 आ गया, यहाँ पे ये 6 आ गया, ये पॉइंट, ये आपका 5 का 5 आ गया, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, और ये आपका 8 और ये 2/8 आ गया। इस प्रकार से हम वर्नियर माइक्रोमीटर की किसी रीडिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं, ये आपका थिम्बल है, तो थिम्बल में आप देखो ये आपके माइक्रोन के निशान है, इसमें एक खाने का मान जो है 10 माइक्रोन है, ठीक है। ये वैल्यू स्टार्ट होती है आपकी 0 से, देखो ये आपका ये मैन आपकी, ये देखो ये 0 लाइन है, ये वाली 0 लाइन है, ये आपस में मैच होनी चाहिए, इसका नंबर हमें कोई भी हमें गुणाभाग करनी है तो 0 0 लाइन, इस वाली 0 लाइन से ये वाली लाइन मिल रही है वही उसका मान हो जाता है, ठीक है, 0 0 लाइन इसमें आनी चाहिए। अब आप देखिए प्रत्येक खाना इसमें क्या है, 10 माइक्रोन का होता है, ये जो आप चल रहे हैं खाने 10 माइक्रोन के, अब देखो ये 5 आ गया तो समझ ये 0.5 यानी कि 0.05 वैल्यू हो गई। इसी का सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके ये थिम्बल डिवीजन है, इसी के जो है सामने आप देखें, ये आप देख रहे हैं लाइन से देख रहे हैं, ये लाइन है आपकी, ये ओनली एक लाइन 1 माइक्रोन की होती है, और ध्यान दें इसमें देखो आप 0 से 2 4 6 8 और 10 तक है, ये इसलिए हैं कि हम जो है छोटे छोटे नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने एक एक गैप करके हमने लिख दिया, ठीक है, 2 4 6 8 इस टाइप से लिख दिया ताकि हम सही से इसको समझ सकें। अब ये पहले इसको खोलेंगे 28 नंबर तक, ठीक है, 28 वैल्यू थी, तो आप देखिए 25 वाला नंबर, ये आप देखो 25 के बाद में 3 खाने खुला हुआ है, 25 और 3 ये आपका ये है 28, और इसमें 0.5 और खुला हुआ है, ये देखो 0 लाइन आ गई इसमें, तो ये आपका 0.5 और खुल गया, इसके बाद में क्या है 6 4 था, तो 50 वो हो गया, ठीक है, और 6 खाने और खुलेगा, यानी कि ये आपका 1 खाना 2 खाना 3 4 5 और ये आपका जो है ये आपका 6ठा खाना खुल गया, ठीक है। अब 6ठे के बाद में क्या है, थोड़ा सा और आगे जा रहा था ये, क्यों, इसमें 6 माइक्रोन आ रहा था, 6 माइक्रोन के लगभग ही आ रहा था, उसके आधा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारी यहाँ पे ये छठी लाइन मिली होनी चाहिए, ये आप देख रहे हैं इसमें 6 नंबर है ये, तो 6 नंबर उससे ये आपकी मिली होनी चाहिए, इस प्रकार देखा आपने इसमें कि 28 ये खुल गया और आपके ये नंबर इसमें निकल के आ गए हैं, तो ये कौन सी लाइन मिल जाती है, ठीक है, तो इसमें ये आपकी 0 से 5 और 6 ये नंबर आ गया 5 और ये आपकी छठी लाइन आ गई यहाँ पर, ये इस तरह से। अब तो छठी में ये है कितना कितना खुल जा रहा है इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका सेट करें हमने, ये 5 था, ठीक है, ये 6 लाइन होगी, 6 के ये आगे थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें छठी लाइन इसकी ये मिली होगी, ये देखो 2 है, ये 4 है, ये आपकी ये 6 है, इस प्रकार देख रहे हैं इसमें कि ये छठी लाइन इसमें आपको जो है मिल गई है, तो ये 6 माइक्रोन है, ये हमने लास्ट में लिख देते हैं, तो इस प्रकार से पहले 28 लिखा जाएगा, उसकी 0.5 वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, फिर ये आपका 5 और ये 6 है, ये खुला हुआ था, यानी 0.06 लिखा हुआ खुला हुआ था, उसके बाद में खुला है आपका ये 0.06, ये नंबर आपका मिला है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी पूरी पूरी हो गई है 6 6, वो वैल्यू इसकी निकाल के हमने यहाँ पे ले ली है।